दीपावली में खास तौर से हमारा दो पैरामीटर, दो चीज़ों को देखते हैं, ध्वनि का देखा जाता है और वायु प्रदूषण पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और उस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी बनती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, रिस्ट्रिक्शंस में छूट दी जाती है। तो अल्टीमेट जो उद्देश्य है दीपावली का, दीपावली से पहले हम मॉनिटर करते हैं और दीपावली के दिन करते हैं। तो दीपावली से पहले अभी 28 अक्टूबर को किया गया है, एयर के जो तीन पैरामीटर्स हैं उसको करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, PM10 का है, सल्फर डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इसको किया गया है पैरामीटर। ये तीनों मानक के अनुरूप पाए गए हैं। ये कृष्णा नगर में है, रेजिडेंशियल एरिया का एक पॉइंट है उन्नाव में हमारे यहाँ, और नॉइस का भी वही किया गया है, पूरा 24 घंटे का रहेगा। उस समय फिर देखेंगे इसमें क्या वैल्यू बढ़ती है, सल्फर कितना बढ़ जाता है, पटाखों में सल्फर होता है, नाइट्रोजन का होता है, और फिर SPM होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वो देखेंगे कितना बढ़ जाता है। और ये वैल्यू सीधा जो है पहले हम प्रदेश सरकार को भेजते हैं, शासन को, शासन से फिर ये जाती है हमारे मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को जाती है, फिर वहाँ से इस पर पॉलिसी बनाया जाता है, कहाँ ज़्यादा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा पाया गया है, फिर उस हिसाब से वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उसकी ग्रेडिंग होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जाता है, फिर प्लानिंग फ्यूचर की उसी हिसाब से होती है।